प्रिय छात्र छात्री माने समस्त सेशन को स्वागत एवं समस्त को वेरी गुड आफ्टरनून। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन को कवर अप करने जाऊचे जहाँकि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री रो गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक अटे। एथ्रु एग्जाम रे बहुत सारा क्वेश्चन आसे। ये सब क्वेश्चन तुम मानक सिलेक्टेड अटे। जहाँ भी क्वेश्चन डिस्कसन करी माने बेसी ह्यूज क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे, जितक भी क्वेश्चन डिस्कसन करी तार भितर देखिए एग्जाम रे क्वेश्चन रिपीटेड हो पीयूआईक्यू को उठेबे देखिए निहाती भाव में क्वेश्चन आसी पीयूआईक्यू रे यही क्वेश्चन भितर। ता सहित निज फ्रेंड्स मानू सेयर करेंगे कि न करेंगे सीटा आपण मानते डिपेंड करे। तो मुझे कीप सिक्रेट ये क्वेश्चन गुड़ी को सिक्रेट रखिए। तो जिते जल्दी आपण मैंने क्वेश्चन टी कवर अप करदे भिडियोटी को कम्प्लीट देखिकी से आपई बेनिफिट रोम। जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपने जानते ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर दरकार। जदि बीएबीडी एग्जाम 2023 रे दवापाई जाऊँगी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपण मान इंडियन हिस्ट्री बा हिस्ट्री रे आसी जाउची। तो नियति भाव में चेकआउट करें। एवं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रो मु ऑलरेडी थ्योरी क्लास को कवर अप करी जी एवं थ्योरी क्लास को देखिबे संपूर्ण केस स्टडी जानी परिबे। आपण मानको बोरिंग ही लागिबोनी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को मु बहुत भलो भाबरे एनालिसिस करके बुझेछि तीनोटी सेक्शन तथा तीनोटी क्लास माध्यम रे तीनोटी क्लास देखि देबे किभली भाबरे देखिबे मु वीडियो रो एंड रे कहिबी। तो क्वेश्चन मोर फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ कि सिलेक्टेड अटे। प्रथम क्वेश्चन मोर रहउछि डियर स्टूडेंट्स, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए कॉल्ड एज ए फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। एही क्वेश्चन देखिबे बहुत सारा एग्जाम रे आसुछि। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस काहाकु कहा जाए, राजा राममोहन रॉय। कौन पई ना सीए ही प्रथमे स्वर उत्तोलन करथिले अंधविश्वास कुसंस्कार विरोध रे। तो सी गोटे समाजटी गठन करते तार ना होची ब्राह्म समाज। तो मुझे बेसी थ्योरी आलोचना करें डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मुझे थ्योरी क्लास से करी। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवत गीता इनटू इंग्लिश। भागवत गीता को इंग्लीश भाषा रे किए ट्रांसलेसन करते, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्स, जेम प्रिंसेप, सर अलेक्जेंडर क्यूनगम। क्वेश्चन नंबर टू यार सठिक आंसर आसीज मन रखिए, चार्ल्स विल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टाब्लिश इन कलकत्ता बाय। एशियाटिक सोसाइटी कहा द्वारा गठन करा जाइथिला जहाँकि कलिकता ठारे। से व्यक्ति होंगे सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी हो पे सठिक आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगेन कही रखुच्छे, भिडियोटी को कम्प्लीट देखु जहाद्वे कि संपूर्ण डिटेल्स आपने जापर और नलेज गेन होती भाव में जीव। द फर्स्ट विकली बेंगली न्यूज पेपर समाचार दर्पण वाज ए पब्लीश बाय। हरिश्चंद्र मुखार्जी, दीनबंधु मित्र, मार्समैन, विद्यासागर। देखु समाचार दर्पण यहाँ क्या द्वारा पब्लीश होता। तो मन रखिए यार सटिक आंसर आसीज मार्समैन जहाँकि ऑप्शन सी। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट न्यूज पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया। तो बहुत थर ये क्वेश्चन रिपीट हुए। तो यार सटिक आंसर आसीज बेंगल गजेट जहाँकि प्रथम न्यूज पेपर अटे जहाँकि भारत में पब्लीश होता। द फाउंडर ऑफ बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया वाज चार्ल एंड्रयूज, वैडन पावेल, रिचर्ड टेम्पल, रॉबर्ट मोंटगोमरी। तो यार सठिक आंसर आसीज वैडन पावेल जहाँकि ऑप्शन बी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन आईसीएस। इंडियन सिविल सर्विस प्रथम व्यक्ति भारतीय भाव में किए थे जेकि सिलेक्शन पाई सी होती कहतु रे कि पाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए आसीज यार सठिक आंसर। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। देखो ये क्वेश्चन बारंबार एग्जाम पचारे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंगल किए थे।
ତ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ କରିବେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ପଚାରିବ ତ ସେତେବେଳେ କରିବେ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଙ୍ଗଲ କଥା ପଚାରିଲେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ପଚାରିଲେ ବେଣ୍ଟିକ୍ କରିବେ। ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଅ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଦ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲେ ପଢ଼େଇଛି, କେତେ ଖୁସିର ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଲେ, ଏ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥିଓରିରେ ପଢ଼େଇଛି, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଏମିତିକା ପିଲେ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇବନି ଯାହାକି ମୁଁ ଥିଓରିରେ ନ କହିଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା? ୱିଦାଉଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ଘୋଷଣାନାମା ଆସିଥିଲା ପିଲେ, ମନେ ଅଛି ତ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ଘୋଷଣାନାମା, ଯାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ କୁହାଯାଏ 1858। ତ ସେଥିରେ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା କି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଅ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ରହିବ ଭାରତରୁ, ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ, ସିଏ ଯାଇକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସିଏ ସବୁ ଜଣାଇବେ। ଭାଇସ୍ରେ ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଅ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫାର୍ମର୍ସ? ଜମିଦାରୀ, ରୟତ୍ୱାରୀ, ଅନାୱାରୀ, ଦେଶୱାରୀ। ଏଇଟା ତ ଇଜିଲି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଏକୁ କି ଏମିତିକା କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରୟତ୍ୱାରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଜମିଦାରମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁମାସ୍ତା ବାଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଜନସାଧାରଣ, ମଝିରେ ବସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚୌକିଟେ ପକାଇକି ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ ବା ଯିଏ ଜମିଦାର ବାବୁ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ କାହାକୁ ନେଇକି ଦେଉଥିଲେ ଋଣ? ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଥିଲେ। ଜମିଦାର କାହାକୁ ଦେଉଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ବାବୁଙ୍କୁ, ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ଜମିଦାର ଋଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖଜଣା ପୈଠ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଚାଲନ୍ତୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କେଉଁଟା କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଖାପ ଖୁଆଉଛି ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଏଇଟା ତ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ନା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ରେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ରେ? 1897 ମସିହାରେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସତ୍ୟଶତକ ସମାଜ, ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏକଟା ମୋ ଏଟା ଆସିବ 3, ତାପରେ ବିଟା ମୋର ରହିବ 1, ସିଟା ମୋର ରହିବ ହେଉଛି 2, ଡିଟା ମୋର ରହିବ 5, 3-1-2-5। ଯେଉଁଠି 3-1-2-5 ଥିବ ସେଇଟା ମୋର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ 3-1-2-5 କେଉଁଠି ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ସିରେ ଅଛି ନା, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତିକା କରିପାରିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1848 AD? ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ମଧ୍ୟ ଆଉ ତ ବହୁତ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକା ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଉ, ଡାକ ଚଳାଚଳ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଥିଲେ, ତ ଡେଲହାଉସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ରେଳ ଚଳାଚଳ, ଡାକ ଆଇନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପିଲେ ଯାଉଛି, ହେଲା। ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ, ଡାକ ଆଇନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହିଁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ହିକ୍ଲେ ବା ହିକେ, ହିକେ ଜେମ୍ସ ଏ ହିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कांग्रेस देखंतु ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कांग्रेस माने आईएनसी पूर्वरु गोटे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टी रही तार ना कौन थी आमको पचारिचे तो सेटा होची द इंडियन एसोसिएशन मन थी तो निहाती भावे जोटा कि कलिकतार इंडियन एसोसिएशन द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर होची मन रखिबे बॉम्बे समाचार ऑप्शन ए हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस माने तीन थर से निर्वाचित होते आईएनसी रो प्रेसिडेंट रूप से व्यक्ति जनक किए दादा भाई नारोजी सुरेंद्रनाथ बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले संक्रांत नायर तो यार सठिक आंसर आसीज दादा भाई नारोजी तो ऑप्शन ए आसीज पे सठिक आंसर द इल्बर्टविल एजुटेसन लेड टू द फाउंडेसन अफ ह्विच वन अफ द फलोईंग इंडियान एसोसिएसन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जातीय सभा देखो इल्बर्ट विल कथा कही क्वेश्चन नंबर 17 रे सठिक आंसर आसीज ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँकि ऑप्शन बी रे विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग लेड सेस टू झांसी देखो झांसी कथा पचारे आम बहुत भल भाव जाने झांसी है मान आम देखा ह्यूज रोज कथा मन पकड़ा रोज गोलाप फूल तो कथा मन पकड़ा जिकि झांसी राणी लक्ष्मी सहित द्वंद करते झांसी राणी लक्ष्मीबाई ही युद्ध में निहत होते परवर्त समय ह्यूज रोज कही कि जितक भी समस्ते फ्रीडम फाइटर लड़ुते भितर झांसी राणी लक्ष्मीबाई जी उत्तम थे क्वेश्चन नंबर 19 द मैक्सिमम वर्क इन पॉपुलराइजिंग फीमेल एजुकेशन इन द 19th सेंचुरी वाज डन बाय देखो फीमेल एजुकेशन को प्रोत्साहन मिलूला किंतु ता भितर किए मुख्य भूमिका नहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो सठिक आंसर ह्विच अफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरेज लीगलाइज किए जो आम कहीपर विडो रीमैरेज लड़ुले स्वर उत्तोलन करुले फाइनाली से विडो रीमैरेज को लीगलाइज कर आंसर दिंतु तो यार सठिक आंसर आसीज ईश्वर चंद्र विद्यासागर द ट्रिटी ऑफ अमृतसर वाज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड हु ऑफ द फॉलोइंग देखो ट्रिटी ऑफ अमृतसर जो होता महाराजा रंजीत सिंह ता सहित इंग्रेज अधिकारी थिले लॉर्ड मिंटो क्वेश्चन नंबर 22 को चलते कवरअप करवा अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लैंड होल्डर सोसाइटी इंडिया लीग बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पुना सार्वजनिक सभा तो सर्वप्रथमे आम जदि या अप्लाई करवा डियर स्टूडेंट्स तो कौट आसब सर्वप्रथमे तो आम कौट आसब देखो तो सर्वप्रथमे तो मोर लैंड होल्डर सोसाइटी रहा मोर रुना सार्वजनिक सभा जहाँकि गांधीजी और बी आर आंबेडकर मध्य रही है यहाँ रोच फास्ट यहाँ रोच सेकेंडे ठीक अच्छे तापर मोर रोच इंडियन इंडिया लीग यहाँ रोच थर्ड पोजिशन फोर्थ पोजिशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो इजिली जाणीला तो मैंने ऑप्शन बी आसीज यार सठिक आंस मैच द फॉलोइंग देखो तो पुनर्बार आमको मैच करने कही बॉम्बे समाचार आमर किए फास्ट न्यूज पेपर इन गुजराती ठीक अच्छे तापर दिग्दर्शन टाइम कौन आसब फास्ट बेंगल बेंगली मंथली दिग्दर्शन फास्ट इवनिंग पेपर हूँ मद्रास मेल यहाँ मन रखिए जाम आई जहान नमाह यहाँ आमर रोच फास्ट पेपर इन उर्दू ठीक अच्छे ना रू आप जापे जाम आई जहन नमह यो ऑप्शन डी आसीज सठिक आंसर
ठीक अच्छे एक मन रखिए नोट करेंगे खातारे कारण ये टाइप रो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आसी जाऊँचे। परवर्ती क्वेश्चन को अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा एस्टैब्लिशमेंट अनुसार आम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजेबा क्वेश्चन नंबर 24 आमको कही तो सर्वप्रथमे आम क्या सजेबा सर्वप्रथमे कालकाटा आसीबा ना बनारस आसीबा ना एसीएटी की ना हिंदू कॉलेज देखंतु कालकाटा कालकाटा मद्रास आसीजिबो ऑलरेडी मु पढ़ेछि। तापर आमर एसीएटी सोसाइटी ऑफ बंगाल आसीबो विलियम जोन्स को कथा तापर आसीबो बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी तापर हिंदू कॉलेज तो 1 3 तापर 2 तापर 4 1 3 2 4 फिले 1 3 2 4 जोटी थी तो सेटा हो सठिक आंसर तो ऑप्शन डी रे अच्छी देखते तो ऑप्शन डी आसीज मोर सठिक आंसर। द फास्ट राइटर टू यूज उर्दू आज द मीडियम ऑफ अ पोएटिक एक्सप्रेशन से राइटर जन कहते अमीर खुसरू बोले पुनर्बार मत ये कही कि मैच करने अच्छा मैच करने कही देखो तो फास्ट सेशन सेकेंड सेशन थर्ड सेशन फोर्थ सेशन एटा कहार जानते आईएनसी रो आईएनसी रो फास्ट सेशन तो आम कौटी बसी ना बॉम्बे रे बसी एटा तो बहुत भल भाव आमको जना ना नहीं सेकेंड सेशन टा कौटी बसा बॉम्बे कलिकता कौटी तापर चेन्नई तापर अलाहाबाद थर्ड सेशन टा होची मद्रास बा आम कहीपर चेन्नई तापर फोर्थ सेशन टा होची अलाहाबाद तो इजिली जाणीला ऑप्शन ए आसीज सठिक आंसर क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए। 27 को चलते कवरअप करवा व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रार्थना समाज रामकृष्ण मिशन थियोसोफिकल सोसाइटी आर्य समाज तो केवल आपण मानक इयरटा मन रखा पड़ो सर्वप्रथमे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजेबी जदि कौटा आसो प्रार्थना समाज आसो ना रामकृष्ण मिशन आसो ना थियोसोफिकल सोसाइटी आसो ना आर्य समाज आसो आंसर दिंतु प्रथम मोर आस प्रार्थना समाज तापर कौन आस आर्य समाज तापर किए आसपर आसीज थियोसोफिकल सोसाइटी ठीक अच्छे तो हेनरी बेबियन डेरेजियो मन अच्छी तो तापर 1897 रामकृष्ण मिशन तो मुझे कहींपर ऑप्शन बी आसीज मोर सठिक आंसर 1 4 3 2 तो एगुड़िक इयर गुड़िक पे मन रख इम्पोर्टेंट रातार नोट डाउन करदेव हु एमंग द इयरली नेशनलिस्ट वर्क इन इंग्लैंड टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट क्वेश्चन नंबर 28 यार सठिक आंसर आसीज दादा भाई नारोजी द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वाज एवं ही तुम मानक कहीदी हेनरी विवियन डेरोजियो इन ह्विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड दादा भाई नारोजी इन 1866 मसीह कथा कही क्वेश्चन नंबर 30 सठिक आंसर आसीज लंडन हु इज नोन आज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 31 एटा तुम मानक होमवर्क अटे जदि यार आंसर तुम मानक जना अच्छी भाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब तो आशा करुच्ची सेसन टी आप बेनिफिशियल आगामी दिन गुड़िकर एग्जाम यूरू ही क्वेश्चन रिपीट एवं जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंटर मु पार्ट टू रे एनालिसिस कर दीचे तो जदि भी कौन भी डाउट थाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पचारिपर और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आम टेलीग्राम लिंक अच्छी टेलीग्राम जॉइन हो पार सहित ये देखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंटर आमर थ्योरी क्लास अवेलेबल रही थ्योरी क्लासेस जॉइन करेंगे देखते थ्योरी क्लास पाइबापी यूट्यूब को जी यूट्यूब को गलापर सर्च करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म क्लास बाय मास्टर बेन आईक्यू जहाँ भी क्लास दरकार बाय मास्टर बेन आईक्यू लगेदेवे इजिली आपरे अवेलेबल रही सहित गोटे प्लेलिस्ट कर 2022 और 2023 गोटे सोशियाल साइंस तथा हिस्ट्री गोटे प्लेलिस्ट स्वतंत्र भाव रही तो से प्लेलिस्ट गले आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंटर देखो क्लास गुड़िक मिल जाए जहाँ द्वारा कि इजिली
आपण माने थ्योरी क्लास को देखिपारे बहुत समय क्लास है पखापाखि 67 मिनिट एवं एटा गोटे रोचे पखापाखि 105 मिनिट रे क्लास है 105 मिनिट्र क्लास को जदि तुमने देखी दौ तीन टा क्लास मिसिकी इजिली कवरअप होइजिबो।